अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज जो है पप्पू मामा ने हमें दावत दी है और उसका व्लॉग मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, वो भी धूप के साथ। ये ओले गिरे गिरे पिघलने की धूप हो रही है, अलग ही शान है। आप देखो धूप भी निकली है एक साइड में और अंधेरा भी हो रहा है। और यहाँ पर जो है इतनी तेज़ बारिश हो रही है और सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है हमारी पूरी गैलरी के साथ आ रही है, मतलब गेट तक आ रही है। तो अभी हम मतलब करीब ही खड़े हुए हैं, सो इसलिए यहाँ पर तेज़ पानी आ रहा है। और यहाँ पर जो है अभी हमारा थोड़ा मौसम सेट हो गया है, अभी बारिश वारिश खराब होने के बाद अब कुछ नहीं हुआ, आप सब सूख गया है। और अभी जो है हम निकल रहे हैं इफ्तार के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे मुबारकिया। अब सब लोगों ने डिसाइड किया हम कबाब खाएंगे। मुबारकिया में जो है कोई रेस्टोरेंट है उस पर, वहाँ पर जो है हम कबाब खाने जाएंगे। और यहाँ पर जो बहुत मसला होता है कार के बाद, क्योंकि इतना रश हो रहा था, और इसलिए अभी हम जल्दी जाएंगे। और यहाँ पर जो है मुबारकियाँ बस जाने ही आने ही वाले हैं। और अभी जो मैं आपको बताती हूँ, अगर जाके हमें कोई यू नहीं मिला तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है अभी हम मुबारकियाँ बस पहुँचते हैं थोड़ी देर में, और बस हमारा रोज़ा भी खुलने वाला है। अभी हम मोबाइल के पहुँचे ही थे, फ़ोन आ गया कि हमारे पास जगह नहीं है वहाँ पर। सो अभी हम लोग कहीं और जाएंगे। आपको पता होगा सानिया में मरीना मॉल है, उसके पास में एक चिकन टिक्का है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और वहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और हमारा रोज़ा बिल्कुल खुला, हमने पानी से खोला है क्योंकि देर भी हो गई है। अभी वहाँ जाके भी देखना है क्या हमें जगह मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये रहा हमारा कोई टावर। और अभी हम लोग समुंदर से ही जाएंगे क्योंकि मरीना मॉल जो है समुंदर के पास है। सो अभी हम लोग चलते हैं। ये सामने जो है सन एंड स्टैंड है, ये स्पोर्ट्स है। यहाँ पर सब नाइक एडिडास और अंडर आर्म्स ये सब मिलते हैं। यहाँ पर जो है हम आ गए हैं चिकन टिक्का और जी बास की रॉबिन, ये पूरा मॉल है अंदर से। नीचे जो है वो अमेरिकन ईगल भी है दूसरी साइड पर। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस मॉल के अंदर। ये नीचे वाला जो है वो साइड हो अभी बन रहा है कुछ, नीचे इस साइड में नहीं है अमेरिकन ईगल, वो दूसरी साइड पे है। और यहाँ पर जो है सारे KFC एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है हाउस ऑफ ईगल है, ये अभी बंद पड़ा हुआ है। और चाचा मामा भी अभी आ गए हैं, वो शानी जजू के साथ आए थे तो इसलिए अभी बाद में आए हैं। और अभी हम आए हैं और ये रहा हमारा लाइफ कुक स्टेशन। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो लाइफ कुक। और यहाँ पर जो हम वेटिंग पे हैं, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ रश बहुत होता है, हर रेस्टोरेंट में रश इफ्तार के दिन बहुत होता है। तो हमें जो है पता है सीट मिली है मतलब 7:30 बजे। रोज़ा हमने कब खोला था, रोज़ा खुला था हमारे तकरीबन 5:40 में, और अभी हम 7:30 बजे बैठे हैं। और यहाँ पर जो है हमारा सैलेड, आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या खाना है। सो इसलिए अभी हम लोग डिसाइड करें कि हम क्या लेंगे सैलेड्स में। और यहाँ पर देखो सब सॉस सैलेड्स एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है, आपको बस चूज़ करना होगा। और यहाँ पर जो है हमें सीट मिली है, यहाँ पर हम बैठ गए हैं आके। और बस अभी हमारा जो है ऑर्डर आ रहा है, और बस अभी हमारे 8 बजने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होता है तो टाइम बहुत ही लगे, इफ्तार के दिन जो और ही ज़्यादा रश होता है, वैसे नॉर्मली इतना रश नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे बॉटल फ्लिप खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बॉल बहुत हो रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम अभी तक नहीं आया, मतलब 1 घंटा तो लगा था हमें आने में सब चीज़ें। अभी जो यहाँ पर सैलेड आ गए जो हमने चूज़ किए थे, सो अभी हम ये थोड़ा खाएँगे, फिर उसके बाद जो है वो हमारा आ जाएगा खाना, तो फिर वो हम खाएँगे। और यहाँ पर बच्चे बस खेलने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है सब अपना सैलेड इन्जॉय कर रहे हैं। इसका सैलेड बहुत मज़े का होता है, आप भी ज़रूर आके ट्राई करना। और यहाँ पर जो है बस हमारा खाना भी आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे डाइनिंग टेबल पे रख रहे हैं, और ये रहा हमारा खाना।
जो है मैंने खाना खा लिया है और मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ, लेकिन यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी हमारा खाना जो है फिनिश हो गया है, सबने खाना खा लिया है, बस अभी हम जा रहे हैं नीचे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो मैं आपको अभी जल्दी से व्यू दिखाऊँगी सामने का, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अभी, क्योंकि वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है सब बातें करने लग गए हैं खाना खाने के बाद, और बस अभी हम निकल ही रहे हैं क्योंकि हमें अभी और भी काम है। शायद हम कहीं बाहर भी जा सकते शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद आ गई, आपको पता ही है। और ईद का व्लॉग मैं जल्द डालूँगी। और अभी बस हम लोग जा रहे हैं नीचे, ये लिफ्ट से जा रहे हैं, अभी हम सीढ़ियों से जाएंगे। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखो इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी जो है अब मैं नीचे उतर गई हूँ, और मैंने सुना कि हम लोग जो है हम बास्किन रॉबिन जा रहे हैं, मतलब चाचू मामू जो है हमें बास्किन रॉबिन खिलाने वाले हैं। बच्चे इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, क्योंकि बास्किन रॉबिन बहुत ही पसंद है। और ये रहा बास्किन रॉबिन, मैंने आपको बताया नीचे बास्किन रॉबिन है इसके, और बास्किन रॉबिन तो सबको ही पसंद होता है। और यहाँ पर जो है अभी हम डिसाइड करेंगे हम कौन कौन सी वैरायटीज़ की आइसक्रीम्स खाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आपने चूज़ करनी होती है। यहाँ पर जो कैंडी, कॉटन कैंडी और स्ट्रॉबेरी चीज़केक बहुत फेमस है, और मुझे तो स्ट्रॉबेरी चीज़केक बहुत पसंद है, तो मैं वही लेती हूँ। यहाँ पर जो सारे आइस केक्स हैं जो फ्रिज में रखे हुए, बास्किन रॉबिन जो है सारे आइस केक्स मिलते हैं आइसक्रीम वाले, सो मैंने इसके सारे ट्राई किए हुए हैं, कुछ मैंने ट्राई किए हुए हैं। और मैंने तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी चीज़केक ले लिया है। और यहाँ पर जो है अभी बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय करा, और चाचा मामू ने हमें बहुत इंजॉय करवाया, और थैंक यू। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।